एक बड़ी खबर बैतूल जिले के मुलतई से आ रही है, जहां नगर के समीप ग्राम परमंडल और बाड़ेगांव के बीच खेत के कुएं में राष्ट्रीय पक्षी मोर गिर गया। जब इसकी जानकारी खेत मालिक को लगी तो उनके द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहां कुछ ग्रामीण भी जमा हो गए, जिसमें एक शरप के मित्र के द्वारा 50 फीट गहरे कुएं में उतरकर मोर को सुरक्षित बचा लिया गया। मोर की हालत देखकर ग्रामीणों के द्वारा उसे वन विभाग के कार्यालय लाकर वन अधिकारी को सौंप दिया। क्या हुआ था, कहाँ पर आपको ये मोर मिला और क्या कैसे आपने उसका रेस्क्यू किया, बताया? मेरा नाम श्रीकांत विश्वकर्मा, सर्प मित्र में मुलताई क्षेत्र में, और मुझे जानकारी जब मिली एक बाड़ेगांव और परमंडल के बीच में जो एरिया है जिसका नाम साटिया करके है, वहाँ पे कुएं के अंदर में 40 से 50 फीट का गहरा कुआ था जिसमें कि ये मोर गिरी हुई थी। और वहाँ पर जो खेत मालिक थे मुकेश गड़ेकर जी, वो घूमने गए वहाँ पर, तो उन्होंने कुएं के अंदर झाँक कर देखा तो उन्हें मोर दिखाई दी जो कि चिपक के बगल में बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझे जानकारी दी तो मैं तत्काल पहुँचा वहाँ और कुएं के अंदर उतर कर उस मोर को बाहर निकाला, और उसे मैं वहीं पर छोड़ने वाला था मगर वो चलने में असमर्थ थी, मतलब चल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने उसे वन विभाग में यहाँ पर लाया हूँ, जो कि यहाँ पर मैं सब सौंप दिया हूँ और उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाएगा अच्छे से, उसके बाद में उसे पर्यावरण में छोड़ दिया जाएगा। पता है ये राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में क्या जानकारी जिसका रेस्क्यू किया गया? आज सुबह मेरे पास एक खबर आई कि परमंडल से बाड़ेगांव रोड पे गड़ेकर जी का एक खेत है जिसमें कुएं में मोर गिरा हुआ था। वो उस समय घायल था और जीवित भी था, इसलिए वहाँ पे ग्रामीणों ने मदद करके और मोर को बाहर निकाला और हमें यहाँ पे ऑफिस में लाके हमारे पास उसको दिया। सुनने में आ रहा है कि मोर अभी स्वस्थ है? मोर का अभी स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि स्वस्थ है तो उसका उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, और अगर कुछ लगता है कि घायल है तो उसका इलाज करवाया जाएगा और स्वस्थ होने के